सब्सक्राइब कीजिए इंडियन डिफेंस न्यूज चैनल को और बेल आइकन को दबाइए डिफेंस रिलेटेड न्यूज सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं अंश आप सबका फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ डिफेंस टॉक के एक नए एपिसोड में, जहाँ पर हम बात करते हैं दिन भर की नए नए डिफेंस अपडेट्स की। तो देर न करते हुए शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट इंडिया की सिंगल इंजन फाइटर जेट प्रोग्राम को लेके है। जब से लॉकहीड मार्टिन ने टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने के लिए मना किया है, तब से मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के सामने ग्रिफिन के अलावा और कोई ऑप्शंस नहीं बचे हैं। लेकिन इसी बीच यूनाइटेड स्टेट अपनी डिप्लोमेटिक प्रेशर के जरिए कहीं ना कहीं F-16 को खरीदने के लिए इंडिया को मजबूर करने की कोशिश कर रहा है। कुछ डिफेंस जानकारों का कहना है कि F-16 एक 70s या फिर 80s के वक्त का प्लेन है और इंडियन एयरफोर्स ने पहले ही अपनी MMRCA टेंडर के दौरान इस प्लेन को रिजेक्ट कर चुका है। और अब 10 साल के बाद ये प्लेन कैसे इंडियन एयरफोर्स के लिए बेनिफिशियल हो सकता है। और इसमें एक और ट्विस्ट भी है कि यूनाइटेड स्टेट से खरीदे जाने वाले इक्विपमेंट्स को इंडिया कैसे इस्तेमाल करता है, उस पर भी यूनाइटेड स्टेट नज़र रख सकती है, जैसे कि INS जलसा के साथ हुआ था। अगर हम अभी F-16 डील में आगे बढ़ते भी हैं और 2020 के अंदर F-16 डील को साइन कर भी लेते हैं, तब भी हमें 114 जेट्स मिलने के लिए 10 साल का वक्त लगने वाला है। यानी कि 2030 तक हमें F-16 की पूरी फ्लीट मिलेगी और हमें इसे 2060 तक ऑपरेशनल रखना पड़ेगा, जबकि F-16 को यूनाइटेड स्टेट 2048 में ही रिटायर करने वाली है। अगला अपडेट इंडियन आर्मी की तरफ से है। इंडियन आर्मी अभी अपनी आर्टिलरी मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम को धीरे धीरे आगे बढ़ा रही है। जनवरी से एडवांस टावर्ड आर्टिलरी गन्स का विंटर ट्रायल सिक्किम में होने वाला है। ये एक 145mm और 52 कैलिबर का आर्टिलरी गन है, जिसको DRDO और इंडियन प्राइवेट फार्म्स ने मिलकर बनाया है। सितंबर में जब इसका टेस्ट पोखरण फायरिंग रेंज में किया गया, तो इसने 48 किलोमीटर तक सेल को फायर करके एक रिकॉर्ड कायम किया था। डिफेंस मिनिस्ट्री ने ATAGS प्रोजेक्ट को 2012 में सैंक्शन किया था। उसके बाद DRDO ने भारत फॉर्क और टाटा फॉर्क के साथ मिलकर इसके दो प्रोटोटाइप्स डेवलप किए और 2016 से इन गन्स का टेस्ट चल रहा है। अभी सुनने में आया है कि DRDO को 150 ATAGS के लिए ऑर्डर भी दिया जा चुका है। इंडिया अभी अपनी FARP प्रोजेक्ट के अंदर 169 आर्टिलरी रेजिमेंट को इंडियन आर्मी में शामिल करने वाली है, जिसमें 3000 से भी ज़्यादा आर्टिलरी गन्स को खरीदा जाएगा। इस प्रोजेक्ट के लिए टोटल 50,000 करोड़ एलोकेट किए गए हैं। इंडिया अभी बड़ी मात्रा में अलग कंट्रीज को डिफेंस इक्विपमेंट को एक्सपोर्ट करने की कोशिश कर रहा है। डिफेंस मिनिस्ट्री सऊदी अरेबिया, जॉर्डन, यूनाइटेड अरब एमिरेट, म्यांमार और अर्मेनिया जैसे कंट्रीज से बातचीत कर रही है, ताकि उनको रडार्स, मिसाइल और हेलीकॉप्टर्स एक्सपोर्ट किया जा सके। सऊदी अरेबिया ने पहली बार अपने 10 लोगों को इंडिया की नेशनल डिफेंस एकेडमी में ट्रेनिंग के लिए भेज रहा है। और सोर्सेज से ये भी पता चली है कि इन कंट्रीज के साथ इंडिया की हाई लेवल मिलिट्री टाइज अभी होने वाली है। UAE ने हाल ही में DRDO के द्वारा बनाया गया अस्त्र मिसाइल को अपनी मिराज फाइटर्स के लिए खरीदने का प्रस्ताव रखा है। अस्त्र मिसाइल को अभी Su-30 MKI से टेस्ट फायर करने के बाद इनको मिराज 2000 से भी फायर करने की कोशिश चल रही है। म्यांमार अपनी T-72 टैंक्स को अपग्रेड करने के लिए इंडिया से मदद चाहती है और जॉर्डन इंडिया में बनने वाले कामोप 2260 हेलीकॉप्टर को खरीदना चाहता है। अर्मेनिया इन सबसे अलग DRDO द्वारा बनाया गया रडार्स और आर्टिलरी गन्स को खरीदना चाहता है। अगला अपडेट इंडिया की न्यूक्लियर पावर से रिलेटेड है। इंडिया अभी अपनी यूरेनियम उत्पादन क्षमता को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, जो कि हमारे न्यूक्लियर प्रोग्राम में मेन फ्यूल के तौर पर इस्तेमाल होती है। हमारी एटॉमिक एनर्जी डिपार्टमेंट के तरफ से कहा गया है कि इंडिया 2031 से 32 के बीच अपनी यूरेनियम उत्पादन क्षमता को 10 गुना बढ़ाने वाला है, क्योंकि इंडिया दूसरे कंट्रीज से यूरेनियम इंपोर्ट करके उसका इस्तेमाल न्यूक्लियर वेपन्स को बनाने के लिए नहीं कर सकता है। इसके लिए न्यूक्लियर फ्यूल ग्रुप ने पाबंद लगाया हुआ है और जो भी कंट्री न्यूक्लियर वेपन को बनाना चाहती है, उसे इंडिजिनियस तरीके से इनको बनाना और उत्पादन करना पड़ेगा। इंडिया यूरेनियम के बजाय थोरियम बेस्ड न्यूक्लियर रिएक्टर पर ज़्यादा ध्यान दे रही है और हमारी थोरियम प्रोडक्शन रेट पिछले 3 साल से बढ़ती ही जा रही है। आगे चल के इंडिया इसमें वर्ल्ड लीडर बन सकता है। कुछ दिन पहले चाइना ने इंडिया के बॉर्डर एरिया में बनाए गए डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को लेकर सवाल उठाए थे। इसी पर मंतव्य देते हुए हमारी यूनियन मिनिस्टर VK सिंह ने कहा कि इंडिया अपनी टेरिटोरी में डेवलपमेंट वर्क करने के लिए किसी दूसरी कंट्री की कोई इंटरफेरेंस नहीं चाहती है। पहले ही बॉर्डर एरिया के डेवलपमेंट के लिए दोनों ही कंट्रीज के बीच एग्रीमेंट हो चुकी है और दोनों ही कंट्री बॉर्डर एरिया में शांति और अपनी अपनी बायलेटरल रिलेशन को और ज़्यादा बेहतर बनाने की कोशिश कर रही हैं।
इसी बीच अगर चाइना की तरफ से ऐसी कोई मंतव्य आती है तो ये दोनों ही कंट्रीज के रिलेशनशिप के लिए बिल्कुल सही नहीं है। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक और कमेंट कीजिएगा, साथ ही साथ अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा।